के दौरान ईवीएम का फोटो खींचना भाजपा नेता को पड़ गया भारी। हरदा जिले में एक भाजपा नेता को वोट डालने के दौरान ईवीएम मशीन का फोटो क्लिक करना और उसको वायरल करना महंगा पड़ गया। विधानसभा चुनावों की वोटिंग के दौरान 17 नवंबर को भाजपा नेता व पूर्व पार्षद दिलावर खान ने ईवीएम मशीन का फोटो क्लिक किया था, जिसे लेकर कांग्रेस ने लिखित शिकायत की थी। इस मामले में दिलावर खान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। रिटर्निंग अधिकारी आशीष खरे ने बताया कि इस मामले में मंगलवार को थाना कोतवाली हरदा में भारतीय दंड संहिता की धारा 188 तथा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 126A के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। इस बारे में एडिशनल एसपी आरडी प्रजापति ने कहा कि तहसीलदार के प्रतिवेदन के आधार पर सिटी कोतवाली पुलिस थाने में आरोपी दिलावर के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया। हरदा कृषि मंत्री कमल पटेल का गढ़ कहा जाता है। इस बार हरदा विधानसभा सीट से बीजेपी ने कमल पटेल को मैदान में उतारा है, तो वहीं कांग्रेस से राम किशोर डोंगे मैदान में हैं। 17 नवंबर को मतदान संपन्न हो चुका है, नतीजों के लिए 3 दिसंबर का इंतजार। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।